नमस्कार, आप जो रहा छो जी 24 कलाक छो अपनी साथे जूही। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जगन्नाथ मंदिर पहुंचा, नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेल पर मंदिर पहुंचा। मुख्यमंत्री रूपाणी मंदिर में संध्या आरती करी, जगन्नाथ मंदिर में महाआरती थी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए भगवान जगन्नाथ ना दर्शन कर्या। नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेल पर पहुंचा, जगन्नाथ जी ना चरणों मुख्यमंत्री रूपाणीए संध्या आरती करी। जगन्नाथ मंदिर में महाआरती करवामां आवी, जे प्रसाद धरावानो छे ए आपे निहाळ्यो। तो आवતીકાલે રથયાત્રા છે અને આજે ભગવાનને સોનાવેશ માં શણગાર કરવામાં આવ્યો છે। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेल जगन्नाथ मंदिर पहुंचा। आ सीधा दृश्य संवाददाता गौरव पटेल जोड़ाया जगन्नाथ मंदिर थी अमारी साथ। जी गौरव, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेल त्या हाजर है, शू स्थिति त्या? जो ही बात करिए तो आती काले भगवान जगन्नाथ 144मी रथयात्रा निकलवानी छे। कोरोना काल वच्चे आंड पुलिस स्टेशन विस्तार में कर्फ्यू मूकीने मर्यादित लोको साथे आ रथयात्रा निकलवानी छे, त्यारे कोरोना गाइडलाइन भंगना थाय ते प्रकारनुं आयोजन करवामां आवशे। भगवान जगन्नाथनी संध्या आरती माटे राज्यना मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेल जगन्नाथ मंदिर पहोंच्या हता। संध्या आरतीनो लाभ लीधा बाद तेमणे महंत दिलीपदासजी साथे मुलाकात करी दी हती। ट्रस्टी मंडळ साथे तेमणे एक बैठक योजाई हती, जे बैठकमां मुख्यमंत्री, नायब मुख्यमंत्री उपरांत गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा हाजर था। अने तमे सीधा दृश्य जोई शको छो कि मंदिर द्वारा राज्यना मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणीनु फूलहारथी स्वागत करवामां आव्युं छे। ट्रस्टी महेन्द्रभाई झा अने मंदिरना महंत दिलीपदासजी महाराज द्वारा तेमनुं स्वागत थई रह्युं छे। महत्वनुं छे कि जे बैठक योजाई तेमां मंदिर द्वारा मुख्यमंत्री अने नायब मुख्यमंत्रीनुं मोमेंटो आपीने स्वागत करवामां आव्युं हतुं। प्रदीपसिंह जाडेजानुं पण स्वागत करायुं, तमे सीधा दृश्य जोई शको छो। आવતીકાલે જ્યારે રથયાત્રા યોજાવાની છે ત્યારે તેમાં માત્ર 5 જ વાહનો, એટલે કે 3 રથ અને ટ્રસ્ટના 2 વાહનો ઉપરાંત પોલીસના જે વાહનો છે તેને જ મંજૂરી આપવામાં આવ્યું। रथयात्रा पर कोईपण व्यक्ति मकान होता छत अथवा तो घर ना दरवाजा की बारी में निरीक्षण करना नहीं। थोड़ी जोर मुख्यमंत्री संबोधे, तब सीधा दृश्य जो सको, मुख्यमंत्री हाल मीडिया ने संबोधी रहा है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेल, ट्रस्टी महेन्द्र भाई झा, महंत दिलीपदास जी और आ साथ गृहमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा, तमाम लोग हाजर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आरती बाद हवे मीडिया साथे वातचीत करशे। आवतीकाले निकळनारी रथयात्रा जेने लईने सरकारी मंजूरी आपी छे, परंतु कोरोना गाइडलाइन साथे। अषाढ़ी बीजनी भगवान जगन्नाथनी रथयात्रा आवतीकाले सवारे निकळशे। पूर्व संध्याए मैं अने नितिन भाई ने प्रदीप सिंह भगवान जगन्नाथ की आरती उतारी छे। 144मी यात्रा आवती काले निकलशे। भगवान जगन्नाथ ने आजे आरती वक्त प्रार्थना करी छे के गुजरात झड़प थी कोरोना मुक्त बने, गुजरात नो विकास, गुजरात की समृद्धि खूब फूले फाले। भगवान जगन्नाथ की कृपा थी गुजराते हमेशा विकास सायदो छे, समृद्धि सुखी समृद्ध स्टेट तरीके गुजरात एक प्रतिष्ठा पामेलू छे, ए वधु आगळ वधे तेवी प्रार्थना करी छे। आ वखते कोविड एने कारणे यात्रा ने रिस्ट्रिक्टेड एटले के नियंत्रित करवामां आवी छे। कोरोना नी एसओपी गाइडलाइन एने अनुरूप व्यवस्थाओं करवामां आवी छे, जेथी परंपरागत प्रणालिकाओ अने लोकोनी श्रद्धा अने मान्यता इने ध्यान में राखी ने सरकारे छूटछाटो आपी छे। अने भीड़ एकत्रित न थाय एनी व्यवस्था पण करी छे। अपना सौना माध्यम थी
गुजरात की जनता ने विनंती करू छू के सवार थी दूरदर्शन ऊपर लाइव बाकी चेनलो पण लाइव करती होय छे तो एना द्वारा दर्शन करे घरे बैठा दर्शन करे अने भगवान जगन्नाथ ने अपने नगर चर्चा माटे जे काल निकलशे एना आपणे सौ दर्शन करीशु। આજે આટલું રાખીએ પછી કરીશું આજે ભગવાનની રથયાત્રા જ કર। ભીડ એકત્રિત ન થાય તેના માટે વ્યવસ્થા કરાઈ છે। ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાના ઘરે બેઠા દર્શન કરવા માટે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અપીલ કરી છે। રથયાત્રાની આગલી સાંજે જ્યારે ભગવાનના સુનાવેશના દર્શન થતા હોય છે ત્યારે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી આરતી કરવા માટે આવતા હોય છે, ત્યારે આજે પણ તેમણે હાજરી આપી। તેમની સાથે ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલ, ગૃહમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા હાજર રહ્યા, સાથે શહેરના મહામંત્રી ભૂષણ ભટ્ટ અને અમદાવાદના મેયર પણ તેમની સાથે હાજર હતા। ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। જગન્નાથ મંદિરથી આ બંને લાઈવ તસવીરો આપની ટીવી સ્ક્રીન પર। તો ગજરાજને પણ સવારે પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી અને તેમને પણ હવે મંદિરમાં રાખવામાં આવ્યા છે કે જેથી લોકો તેમના દર્શન કરી શકે। ગજરાજ વગર રથયાત્રા શક્ય નથી અને લોકો સૌથી પહેલા તેમના જ દર્શન કરે છે। જગન્નાથ મંદિરથી આ સીધી તસવીરો આપની ટીવી સ્ક્રીન પર। મુખ્યમંત્રી રૂપાણીએ મંદિરમાં સંધ્યા આરતી કરી, તો આ સાથે પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ રથનું નિરીક્ષણ પણ કર્યું। આવતીકાલે જ્યારે પૂરપાટ ઝડપે રથ દોડાવવામાં આવે તો પછી રથને કોઈ ક્ષતિ ન થાય તેને લઈને પણ તેમણે નિરીક્ષણ કર્યું હતું। સવારે 7 વાગે રથ મંદિર પરિસરની બહાર નીકળી જશે અને ત્યારબાદ નગરચર્યાએ નીકળશે જગતના નાથ।